हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे. वंस अगेन दिस इज प्रोफेसर दानी खंडेलवाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर लास्ट पार्ट ऑफ लीवरेजेस. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 अपन ले लेते हैं. अपने क्वेश्चन 9, 10, 11 ही बचे हैं, वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं. उसके साथ ही अपने आईसीआई का पूरा मॉड्यूल अपना कंप्लीट हो जाएगा. अब इट्स योर ड्यूटी कि आप इसको बिना देखे आप एक बार सॉल्व करिए, क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है. जितना आप बिना देखे लिख के प्रैक्टिस करोगे आपका काम हो जाएगा. आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप पूरा मॉड्यूल को, आईसीआई मटेरियल को आप बहुत अच्छे से करिए. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज योर पेज नंबर 6.31. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे करके अपन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू नव्या लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज गिवन. आउटपुट नॉर्मल कैपेसिटी है 1 लाख, सेलिंग प्राइस 40 है एंड वेरिएबल कॉस्ट 20 है एंड फिक्स कॉस्ट 10 लाख है. इसका मतलब नॉर्मल आपका कैपेसिटी है, दिस इज नॉर्मल कैपेसिटी इज 1 लाख यूनिट्स. अपन एक एक करके पूरा लिख लेते हैं. दिस इज जस्ट लाइक गिवन और यू कैन से नोट नंबर 1. ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी. ठीक है, अब आपका सेलिंग प्राइस आपको एट प्रेजेंट दे रखा है 40, तो आपका वेरिएबल प्राइस है 20, तो आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा फ्रेंड्स 20. दिस इज एट योर प्रेजेंट सिचुएशन. आपका प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट है, प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट है आपका से रुपीज 10 लाख. द कैपिटल एक्सचर ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2021, इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास, दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास 10 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच. इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 1 लाख. रिजर्वेशन सरप्लस 5 लाख, 7% डिवेंचर. इट मीन्स एट प्रेजेंट प्रेजेंट डिवेंचर हैं आपके पास 7% ऑफ 10 लाख इज आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 70,000 करंट लाइबिलिटी. नाविया लिमिटेड हैज अंडरटेकन एक्सपांशन प्रोजेक्ट टू यूज द मार्केट पोटेंशियल दैट विल इन्वॉल्व 10 लाख रुपीज. इसका मतलब आपको एडिशनल फंड चाहिए, एडिशनल फंड आपको चाहिए 10 लाख का. ठीक है, 10 लाख. द कंपनी एक्सपेक्ट एन इंक्रीज आउटपुट बाई 50%. आपका आउटपुट हो जाएगा 1 लाख और 50% से बढ़ रहा है, इट मीन्स 150%, इट मीन्स 1,50,000 यूनिट्स. ठीक है, द कंपनी एक्सपेक्ट टू इंक्रीज आउटपुट 50. फिक्स कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड बाई 5 लाख. इट मीन्स आपका नया फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 5 लाख से बढ़ के इस 15 लाख. वेरिएबल कॉस्ट विल बी डिक्रीज्ड बाई 10%. इसका मतलब सेलिंग प्राइस डिवाइडेड टू वेरिएबल प्राइस कॉन्ट्रीब्यूशन 20 था पहले एंड दिस इज डिक्रीज्ड बाई 10%. इसका मतलब 90% ही रह जाएगा, दिस इज 18 पर यूनिट. द एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट एन एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन मार्केट. इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपका रहेगा 40 और 40 माइनस 18
माइनस 18 आपका क्या आ जाएगा 22। द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव स्कीम फॉर फाइनेंसिंग द प्रपोज्ड एक्सपेंशन प्रोग्राम आर प्लान एंटायरली बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ 10। इसका मतलब 10 लाख का अपने को एडिशनल फंड चाहिए, तो 10 लाख का फंड अपन पहले ऑप्शन में है फुल इक्विटी, दूसरे में 5 लाख बाय इक्विटी एंड 5 लाख बाय डिवेंचर, डिवेंचर इक्विटी बाय 5L एंड बाय 5L। ऑलराइट, दिस इज 5L एंड दिस इज 5L, ये आपका टोटल 10L। एंटायरली 6% डिवेंचर, डिवेंचर 10 lakhs। फाइंड आउट विच ऑफ द अबव मेंशन्ड ऑल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड फॉर द नविया लिमिटेड विद रेफरेंस टू द रिस्क एंड रिटर्न इन्वॉल्व, एज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ये आपके सारे इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आपका ये दे रखा है नॉर्मल कैपेसिटी 1 lakh यूनिट्स, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, वेरिएबल प्राइस, कंट्रीब्यूशन एट प्रेजेंट, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल प्राइस, कंट्रीब्यूशन, प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट, ये आपका आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपका आ गया डिवेंचर, दिस इज ये आ गया आपका एडिशनल फंड इक्विटी, ये आपका ये आउटपुट, ये आपका हो गया ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, ये आपको एट गिवन है। फाइंड आउट विच ऑफ द अबव मेंशन्ड अल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड फॉर नविया लिमिटेड विद रेफरेंस टू द रिस्क एंड रिटर्न। ओके, तो देखो जरा, अब आप सॉल्यूशन पे आ जाइए। देखिए, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी अल्टरनेटिव स्कीम फॉर फाइनेंसिंग ऑल फिगर्स इज इन लैक्स। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 10 lakhs एग्जिस्टिंग था, ऑल्टरनेटिव 1, 2, 3 में भी एग्जिस्टिंग वाला पार्ट तो रह गई, न्यू इशू में आपका ऑप्शन वन में आपको इक्विटी, मैंने आपको बताया था ऑप्शन वन में आपको 10 lakhs का इक्विटी, तो वही उन्होंने ऐड किया है, तो 10 + 10 आपका क्या हो जाएगा 20। सेकेंड में आपका 5 का इक्विटी है, तो 10 + 5 आपका 15 हो जाएगा, और थर्ड में आपका डिवेंचर है, तो इक्विटी आपका 10 ही रहेगा। पहला ओल्ड डिवेंचर आपका 10, 10, 10, 10 आपको दे रखा है एग्जिस्टिंग एज वेल एज ऑल्टरनेटिव 1, 2 एंड 3 में, प्लस डिवेंचर आपका 5 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है आपका डिवेंचर, और 10 आपका यहाँ पे डिवेंचर हो रहा है, इट मींस आपका एग्जिस्टिंग टोटल आपका हो जाएगा 0, 0 एंड 5, 5, 10। अब आपका टोटल 20, 30, 30, 30। डिवेंचर इंटरेस्ट पहले आपका डिवेंचर इंटरेस्ट था 7% ऑन, इट मींस 70,000 इंटरेस्ट दे रहे थे, उसके बाद जब आपके नए डिवेंचर आए दैट इज 6%, तो उसकी वजह से आपका एडिशनल इंटरेस्ट हो जाएगा। आउटपुट पहले आपका 1 lakh था, पहले आपका आउटपुट 1 lakh था, अभी आपका आउटपुट हो जाएगा 150,000। पहले आपका कंट्रीब्यूशन 20 था, अब आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 22। पहले आपका कंट्रीब्यूशन 20 था, अब 22 हो जाएगा। लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपका कितना है, फिक्स कॉस्ट है आपका प्रेजेंट 10 lakhs का 5 का और बढ़ गया, अब आपका 15 lakhs हो जाएगा, ठीक है। ईबीआईटी इट मींस ईबीआईटी आपका आ जाएगा 10, 18, 18, 18, ठीक है। आउटपुट ये आपका कितना था, पहला वाला आपका आउटपुट कितना था बताइए, पहला वाला आउटपुट था 1 lakh बराबर, और आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा था 20, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1 × 20, 20, अब आपका हो जाएगा 1,50,000 × 22, तो 1,50,000 × 22 आपको क्वेश्चन में दे रखा 1.5 × 22, 1.5 × 22। लेस फिक्स कॉस्ट, ठीक है, वो तो डायरेक्टली इंटरेस्ट डायरेक्टली गिवन है, पीबीटी आ जाएगा, टैक्स आपका 40%, ईएटी, ऑपरेटिंग लीवरेज वही कॉन्ट्रीब्यूशन, ईबीआईटी फाइनेंशियल लीवरेज, ईबीआईटी, ईबीटी कंबाइंड लीवरेज, दिस ईपीएस आप डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स करोगे आपको आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, तीन ऑल्टरनेटिव में सबसे लोएस्ट आपका रिस्क है 1 में,
उसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क है 3 में और मिडिल में आपका 2 है, सबसे लोएस्ट रिटर्न है आपका 1 में, सबसे हाईएस्ट रिटर्न है आपका 3 में और लोएस्ट है 2 में। आगे आप आ जाइए, आगे बोल रहे हैं फ्रॉम दी अबव फिगर वी कैन सी दैट द ऑपरेटिंग लीवरेज इज सेम इन ऑल द ऑल्टरनेटिव दो फाइनेंशियल लीवरेज डिफर्स। ऑल्टरनेटिव 3 यूजेज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेप्ट एंड रिजल्ट इन टू द हाइजेस्ट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। मैंने आपको बताया था कि अगर डेप्ट ज़्यादा रहेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, तो वो फाइनेंशियली हमेशा आपको क्या रहेगा, रिस्की, फॉलोड बाई अल्टरनेटिव 2। अकॉर्डिंगली रिस्क ऑफ द कंपनी विल बी मैक्सिमम इन दीज ऑप्शन करेस्पॉन्डिंग टू द स्कीम। हाउएवर मैक्सिमम ईपीएस इज 10.02 पर शेयर विल बी ऑल्सो इन ऑप्शन 3। सो इफ नव्या लिमिटेड इज रेडी टू टेक द हाई डिग्री ऑफ रिस्क देन ऑल्टरनेटिव 3। आपका इंटरेस्ट है, आपका रीपेमेंट है, अगर आपको वो लेना है तो आपका ईपीएस वहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, इज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड। इन केस ऑफ ऑप्टिंग द लेस रिस्क देन ऑल्टरनेटिव 2 इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन विद ए रेड्यूस ईपीएस ऑफ 6.8। इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव 1 ईपीएस इज इवन लोअर देन द एग्जिस्टिंग ऑप्शन, हैंस नॉट रिकमेंडेड। आर यू गेटिंग ऑन नॉट फ्रेंड्स? बड़ा सम था, मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन अगर आप ये वर्किंग पूरा देखोगे तो आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। आपके दो क्वेश्चन और बचे हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर, अब क्या बोल रहा है, नाउ विल टेक फ्रेंड्स योर क्वेश्चन नंबर। ओके फ्रेंड्स, ऑलराइट। अब फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दो क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको कराता हूं। वन इज क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 एंड पेज नंबर 6.34। मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप जरा देखिए। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आर गिवन बिलो। ऑपरेटिंग लीवरेज है आपके पास, कंबाइंड लीवरेज है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, सेल्स है आपके पास 8% डिवेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, इनकम टैक्स रेट आपको दे रखा है, फाइनेंशियल लीवरेज आपको निकालना है, पीवी रेशियो अर्निंग पर शेयर निकालना है। इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट्स टर्नओवर इज 1.5, डज इट हैव ए हाई और लो एसेट्स टर्नओवर, वो आपको निकालना है। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0, वो भी आपको निकालना है। ओके, तो आप वन 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 करके अपन इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एंड पेज नंबर 6.34 है। ओके, तो पहले वही अपन इनकम स्टेटमेंट एक बार बना लेते हैं फ्रेंड्स। इट मींस दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग इनकम। ए सेल्स, बी वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स divided by number of shares, आपको क्या मिलेगा, EPS। सही है, सुनो फ्रेंड्स, अब इसमें अपने पास क्या क्या दे रखा है। सेल्स 50 लाख रुपीज गिवन है, 50 लाख सेल्स गिवन है। फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इज 3,40,000 है, आपका फिक्स कॉस्ट है 3,40,000। ओके, 8% डिवेंचर उसका इंटरेस्ट है, इट मीन्स 30,25,000 इंटू
8%. 3,25,000 × 8% is 2,42,000. ऑलराइट, इक्विटी शेयर्स हैं आपके 34 लैक्स, इट मीन्स टोटल कैपिटल 34 लैक्स है, 10 रुपीज का एक है, इट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स आपके हो जाएंगे 3,40,000. सही है सर ना फ्रेंड, परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, अगर अपन देखते हैं क्या मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल लीवरेज, देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, ये मैंने आपको बताया था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है अपना 2, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है अपना, कंबाइंड लीवरेज है 2.5, सो 2.5 डिवाइडेड बाय 2 आपका आ जाएगा 1.25. सही है सर, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आपका हो जाएगा 1.25 एंड दिस विल बी योर आंसर नंबर 1, आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज. नाउ आंसर नंबर 2 में अपने को पूछ रहा है फ्रेंड्स, दिस इज योर आंसर नंबर 2, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अपना होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अपन इसको बोल सकते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अपने को दे रखा है 2, कंट्रीब्यूशन अपने को पता नहीं है, माइनस इंटरेस्ट अपने को पता है, इंटरेस्ट इज रुपीज 2 लाख फोर इंटरेस्ट, हाँ कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन दिस इज योर ईबीआईटी ना, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा, राइट. This is fixed cost, okay, and fixed cost है अपना 3,40,000. It means 2 contribution minus 340 × 2, 680 equal to contribution. Contribution equal to अपना हो जाएगा 680. कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा 680. यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप करिए. अपने को क्या दे रखा है, आंसर 2 अपन को निकालना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेजेस दे रखा है, वो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिग्री ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसको बोलेंगे, इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ओके. तो ये अपन को दे ही रखा है, बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन अपन को निकालना है, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस अपन ने क्या कर दिया फिक्स कॉस्ट, तो 2 कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस 680 इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 6,80,000. यहां तक आपको क्लियर हुआ है? परफेक्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हमारा अपन ने निकाला था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, डिग्री ऑफ कंबाइंड अपना हो गया, ये निकल गया. यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इट मीन्स हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 6,80,000.
okay, 6 lakhs 80,000 तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 50 minus 6.8 इज 43.20 सही है। आपने से क्या पूछा है, पीवी रेशियो। सो कंटिन्यू, दिस इज सेकंड का कंटिन्यू करेंगे अपन आंसर। पहला अपने से क्या पूछ रहा है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है, इट्स ए रिलेशनशिप। देखो कॉस्टिंग आ गया काम, इसके लिए मैं आपको बोला था कि पहले आप कॉस्टिंग कंप्लीट करिए। कॉस्टिंग काम आ गया ना, क्या था अपना याद है, सेल्स, सेल्स डिवाइडिंग टू वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। सेल्स 50 लैक्स, कंट्रीब्यूशन 680, वेरिएबल कॉस्ट 50 minus 6.8 is 43.20। This is your answer number 2, part 1 is PV ratio, contribution divided by sales into 100. What is your contribution? 680 divided by sales 50 lakhs into 100. It means 680 divided by into 100 is 13.6%. PV ratio and EPS, earning per share, बराबर है। अब आप आ जाइए 680 माइनस 340, आपका क्या आएगा 3,40,000 माइनस 242 इज 340 माइनस 242 इज 98, 30% टैक्स है, 30% 98 का 30% इज 29,468,600 EPS 68,600 divided by 3,40,000। इंस्टीट्यूट का भी आंसर है, वो भी मैंने पीछे की तरफ आपको दे रखा है, पर अपना आंसर काफी इजी रहता है, इसके लिए मैं आपको अपना आंसर 0.202 आपका हो जाएगा ईपीएस। ईपीएस आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0.202। ओके, तो ये आपका हो गया 202 एंड ये आपका आंसर 2, ये आपका पार्ट 1 आंसर 2 एंड दिस इज योर आंसर 2 एंड पार्ट 2। सही है, सुनो यहां तक आपको क्लियर हुआ क्या। If the company belongs to an industry whose assets turnover is 1.5, कंपनी है जिसका assets turnover है, फ्रेंड्स बोलो, ये सब मैंने आपको सॉल्यूशन तो लिख के दिए ही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहीं पे आप जरा एक एक पार्ट को समझ लीजिए करके ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब क्या बोल रही है कंपनी, दिस इज योर आंसर नंबर 3, बराबर। आंसर नंबर 3 अपने को क्या बोल रहे हैं, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स, बराबर है। अपना सेल्स कितना है 50 लैक्स और एसेट्स कितना है 34 लैक्स का इक्विटी है, प्लस 34 लैक्स का इक्विटी है
और 30,25,000 का डिवेंचर है, तभी तो बैलेंस शीट अपना हो जाएगा ना। ये आपकी बैलेंस शीट, इक्विटी, ये डिवेंचर। इक्विटी कितने का है? 34 लैक्स, और ये है 30.25। बाकी का जो रहेगा साइड वो क्या हो जाएगा? एसेट्स ना, टोटल 34.25, 64,25,000, 64.25। इट मीन्स 50 / 64.25 आपका आएगा 0.78 है, विच इज लेस देन 1.5। इट मीन्स लो है अपना। क्या बोल रहा है? इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट्स टर्नओवर 1.5 times, मीन्स जितना भी आपका एसेट्स लगा हुआ है उससे सेल्स क्या होना चाहिए? 1.5 times, उससे सेल्स क्या होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या आ रहा है? जितना हमारा एसेट्स है उससे सेल्स हो रहा है 0.78, उससे सेल्स क्या हो रहा है 0.78। इसके लिए हमारा ये क्या हो जाएगा? इज ए लो टर्नओवर रेशियो हो जाएगा, लो टर्नओवर रेशियो हो जाएगा। सही है, सुनो परफेक्टली क्लियर होना, लो टर्नओवर रेशियो हो जाएगा। तो हमारा ये थर्ड आंसर आपका हो गया, इज ए लो एसेट्स टर्नओवर रेशियो, लो एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सही है, सुनो। एंड लास्ट एक अपना फोर्थ पार्ट अपन कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या होगा वो जरा आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ये आपका एक फोर्थ पार्ट आप जरा देख लीजिए, क्या बोलना चाह रहा है फोर्थ पार्ट में। आंसर नंबर, दिस इज योर फोर्थ पार्ट, आप जरा देख लीजिए। दिस इज योर आंसर नंबर फोर्थ, आप देखो ये क्या बोल रहा है। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द अर्निंग बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू जीरो। अर्निंग बिफोर टैक्स हमको क्या चाहिए? जीरो, विद वेरिफिकेशन भी अपन कर सकते हैं, बराबर है। इसका मतलब इंटरेस्ट तो हमें सेम पे करना पड़ेगा, 242 हमारा ये होना चाहिए, 242। फिक्स कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा 340, बराबर। इसका मतलब 340 + 242 आपका आएगा 5,82,000, ओके। ये आपका कंट्रीब्यूशन है, और आपको पीवी रेशो दे रखा है, आपको पीवी रेशो दे रखा है इस 13.6%। अभी अपन ने निकाला था ना पीवी रेशो दे रखा है 13.6%। इसका मतलब 582 13.6%, what is 100%? 582 divided by 13.6 into 100 is 42,79,412. 42,79,412. 42,79,412. और अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए और आपको मजा आएगा। सही है, सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर और नॉट। ओके, प्रॉपर सारे चार पार्ट आपको क्लियर हो गए फ्रेंड्स, बोलो परफेक्टली क्लियर, नो कंफ्यूजन। चलो अब आप एक जरा लास्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड योर पेज नंबर 6.37। क्या पूछ रहा है? यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ फाइव फर्म्स ऑफ सेम इंडस्ट्री। नेम ऑफ द फर्म MNPQR, चेंज इन रेवेन्यू, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, चेंज इन अर्निंग पर शेयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑल फर्म डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। मैंने आपको कितनी बार बताया था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू,
परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यूज, कौन कौन सी फॉर्म है अपने पास, बोलो, एम एन पी यू आर, ओके, डी ओ एल, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम 26%, देन 34%, देन 38%, देन 43%, एंड देन 40%, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू 28, 27, 25, 23, 25, 26 divided by 28 is 0.929. 34 divided by 27 is 1.259. 38 divided by 25 is 1.52. 43 divided by 23 is 1.86. 40 divided by 25 is 1.6. 0.929, 0.1, 1.52, 1.86. एकदम सिंपल है, ये आपका हो गया आंसर नंबर वन. सही है, सुनो, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन दिस. अब आप आइए डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज. मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, DCL, ओके, परसेंटेज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू. This is M N P Q R, percentage change in DCL, percentage change in EPS, percentage change in EPS is 32%, 26%, 23%, 27%, and 28%. Whatever divided by DCL, degree of combined leverage divided by percentage change in revenue, 28%, 27%, 25%, 23%, and 25%. एंड ऑफ योर लीवरेजेस. अब ये जो मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप प्लीज आप उनको एकदम प्रॉपरली ध्यान से जरा सॉल्व करिए, बिना देखे सॉल्व करिए, कई बार सॉल्व करिए, आपका काम हो जाएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. राधे राधे.